अस्सलाम वालेकुम। क्लास टेन साइंस चैप्टर नंबर 5.1। चैप्टर का नाम है सेट एंड देयर फंक्शंस। सेट जो है ना, सेट सेवन क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप, सिक्स से मे बी, सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। फंक्शंस आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। फंक्शन के लिए हमें लास्ट एक्सरसाइज पे जाना पड़ेगा, तब जाके फंक्शन स्टार्ट होंगे। अभी सिर्फ सेट्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। करना तो मैंने अपनी मर्जी की, मेरे क्वेश्चन पकड़ने थे, लेकिन मैं क्वेश्चन ये पकड़ रहा हूँ आज, किसी वजह से पकड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर है, वजह बताऊँगा भी क्या वजह है। यूनिवर्सल सेट है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है इसे। x सच डैट x इज द एलिमेंट ऑफ n एंड 3 लेस देन x ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 25। देन कहता है x, x such that x is prime numbers and 8 greater than है, sorry, x greater than है 8 से और less than है 25 से। y पे आ जाए, x such that x is the element of w and 4, x less greater than equal to 4 less than equal to 17। इस टॉपिक के क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। क्या होगा? यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ, माइनस, बस। देन आएगी वेन डायग्राम, फिर फंक्शन आ जाएंगे। 5.1 अभी इसी में आपकी ख़त्म हो जाएगी। 5.1 अभी इसी में ख़त्म हो जाएगी। मेन जो डिस्टर्बेंस आती है ना, सेट की वैल्यू गिवन ना हो, सेट है जी यू, सेट है यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ क्या है ये पता नहीं चल रहा, समझ रही। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया। अब वो क्या मांग रहा है वो तो निकाल देंगे, लेकिन जो जो इस चैप्टर की बेसिक चीज़ें हैं वो सारी मैं करवा दूंगा इसके अंदर ही, समझ आ गई है। और जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं इस चैप्टर के अंदर, मैं वो यहाँ मेंशन करूँगा, वो मिस्टेक्स आप लोगों ने नहीं करनी। क्लियर है? क्या मैंने पढ़ा था मेरे साथ लाउडली पढ़िएगा। एंड एक्स ग्रेटर देन 3 से लेस देन इक्वल टू 25 से। अगला एक्स, वो बंद रखो सारे, आप वेट करो, जिसको नहीं पढ़ना था वो हाथ खड़ा करे पहले। शाबाश, अच्छी बात है, ऐसे बच्चे मुझे पसंद है, ये झूठे नहीं है कम से कम, ठीक है, ये बहरूपीय नहीं है। रुपया होता है कि सबके दरमियान में निकल जाओ, ड्रामा कर जाओ, क्यों नहीं पता हाथ खड़े पूछ ले, अपने साथ दूसरों का फ़ायदा कर देगा वो। जिसको नहीं पता हाथ खड़ा करे, कोई शर्मिंदगी, कोई इंसल्ट नहीं है। इसे कहते हैं सच डैट, इसे कहते हैं एंड, ठीक है। इसे कहते हैं एलिमेंट ऑफ एक्स सच डैट एक्स, एलिमेंट ऑफ एन एंड एक्स ग्रेटर देन 3 एक्स लेस देन 25। अब जिंदगी बननी भूलेगा, तो मेहरबानी फरमा के कोई भी टीचर पर हारा हो ना, तो जो ये एक राग राग चल रहा होता ना, इसको तोड़ा करें। दरमियाने बोलने में मुझे समझ आई, मुझे भी बता दें। हालांकि मैंने पहले बताया इंसान ये बाजी मसरूफ है ना, मैं कहीं भी बिजी हैं, ये काम ख़राब है, ये भी काम ख़राब है ना। मैंने मौका देना आपको नोट करने का, इन्हें पहले नोट करने की पड़ी हुई है, ये नोट ही होगा और आता कुछ नहीं होगा, समझे। कुछ टीचर साफ पढ़ाते हैं, कहते नोट करते जाओ, कुछ है पहले समझ लो बाद में नोट कर लो। मेरी आदत ये है कि पहले समझाता हूँ बाद में नोट करवाता हूँ, वो भी गलत नहीं है कि साथ साथ नोट करने वाला, उसमें टीचर अगर बाद में बताने वाले हैं तब फ़ायदा है, मैंने बाद में नहीं बताना तो क्या करोगे आप लोग, समझ गए। x such that x is prime number, prime number क्या होते हैं ऊंची आवाज में, जिसको नहीं पता हाथ खड़ा कर ले। मेरे पर हाथ किसने खड़ा करना है? जिसको नहीं पता, जिसको पता वो नीचे रखे, समझ नहीं। प्राइम नंबर कौन से है ये नहीं कहना, बताना कहना नहीं पता, क्या बताना है? मेहरबानी मेरे पे करनी है, खुद ही आप पे हो जाएगी मेहरबानी, ठीक है। कह रहा करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पे, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पे, अपने में मेहरबानी कर लो, मेरे पे कर दो, बाकी को भला हो जाएगा। प्राइम नंबर कौन से हैं? ऐसे नंबर हमें कहा जाता है किसी पर डिवाइड नहीं होते, प्राइम नंबर है, ठीक है। किसी हद तक ये डेफिनेशन ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ जिसके दो फैक्टर्स हैं, जिसके
कम अज कम दो फैक्टर हैं, वो क्या है? समझ आई कि नहीं आई? हमने कहा जो किसी पे नहीं जाता प्राइम नंबर है, थ्री प्राइम नंबर है, डिवाइड नहीं होता, फाइव डिवाइड नहीं होता प्राइम नंबर है, सेवन डिवाइड नहीं प्राइम नंबर है, इलेवन डिवाइड नहीं प्राइम नंबर है, टू भी डिवाइड नहीं होता प्राइम नंबर है। अगर तो परेशानी है प्राइम नंबर में, आगे आसानी है पीछे आए, थ्री से पीछे टू है, टू डिवाइड होता है किसी पे? टू किस पे होता है? थ्री किस पे होता है? किसी पे नहीं। टू किस पे था? किसी पे। टू भी प्राइम नंबर है, टू से पीछे आए वन आ गया, वन क्या है प्राइम के नहीं। अब यहाँ पे आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। हर वो नंबर जिसके दो फैक्टर हों, वन अपने पे जाता है, एक फैक्टर है प्राइम नंबर, ये साइड पे कर दो, टू अपने पे जाता है और वन पे जाता है, दो फैक्टर हो गए, थ्री अपने पे जाता है वन पे जाता है, फाइव अपने पे जाता है वन पे जाता है, सेवन अपने पे जाता है वन पे जाता है, इलेवन अपने पे जाता है वन पे जाता है, थर्टीन अपने पे जाता है वन पे जाता है, दिस इज प्राइम नंबर। जो बच गए वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब ऑड नंबर कौन से हैं? तब बताना है कि ये होता है ऑड नंबर, समझ रही? मुझे उसकी पहचान बतानी है। आप आओ जी बच्चा पूछे बकरा कौन सा, कोई ये बकरा है, ये छतरा है, ये गधा है, ये उसे बताओ इतने बालों वाला हो, ऐसे वाला हो तो ये छतरा है, ऐसे वाला हो लंबी सी दूंगी वो गाय है, लंबी सी गर्दन वाला हो फलाओ तो ऊँट है, देखो ये ऊँट है, ये गाय है, ये बकरा, ठीक है? किसी और घर में जाओ फिर पूछेगा तुम की है, ठीक है? ऑड नंबर कौन से हैं? जो टू पे डिवाइड नहीं होते भाई। ऑड नंबर कौन से हैं? यहाँ एक टेबल बना लेते हैं, देसी सा टेबल, कौन सा? ऑड, टू पे डिवाइड नहीं होते, ये ना कहना क्रॉस लगाया हो रहे हैं, नहीं होते, नो। इवन के हैं, टू पे डिवाइड, ठीक है, टू पे डिवाइड नहीं होते, टू पे डिवाइड होते हैं, ये ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है जी। प्राइम नंबर कौन से हैं जी? ऑड नंबर कौन से हैं जो टू पे डिवाइड होते हैं? इवन नंबर जो टू पे डिवाइड नहीं होते, प्राइम नंबर कौन से हैं? क्योंकि ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्या है? ये वैल्यू निकालना। ऑड टू पे डिवाइड होता है? नहीं। इवन टू पे डिवाइड होता है? होता है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? शाबाश, उन मजा आया ना, देखिए कितने फैक्टर हों। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो प्राइम नहीं है कंपोजिट है, रोशनी की डेफिनेशन है अंधेरे की नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट इज नोन एज डार्कनेस। जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है? कंपोजिट नंबर। आगे चलेगी, एक दो तीन चार ही मेजर है। अब क्या होगा? होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, समझ आई कि नहीं आई है? चलें, वैसे ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल में नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर टू में आई थिंक करवाई थी, सर्कल बनवा के नेचुरल होल, पहले होल पहले नेचुरल, छोटे छोटे बड़े बड़े वो सर्कल बना हो गया था हमारा। इस पर आ गए हम, अब इनकी पहले वैल्यूज उतारने, कितनी वैल्यूज बनेंगी, और एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर और भी आना हुई देखिएगा। थ्री से बढ़ाओ क्या थ्री होगा? बोले ये आपने डॉट लगा दी है ना, ठीक है, क्वेश्चन में डॉट नहीं लगाने आप, जब वैल्यू आपने सॉल्व नहीं उतारनी है ना, वो चाहे वहां तक पहुंचे वैल्यू पूरी उतारनी है, गलती के चांस जीरो हो जाएंगे। वरना क्या था, दिमाग में जो चीज़ नजर नहीं ना आ रही होती, दिमाग में होती है वो कोई ना कोई मिस कर जाती है, ठीक है जी। एक्स प्राइम नंबर कौन से हैं जो डिवाइड, एट से बड़ा कौन सा होगा? ठीक है जी, इसमें कौन से होल नंबर होंगे? चार आएगा, चार आएगा, क्यों आएगा? कि ये इक्वल का साइन लगा हुआ है, होल नंबर नहीं है। अगर वो कहता है एक्स बड़ा है चार से, चार नहीं आएगा, पाँच छः सात आएगा, आपसे बड़ा जो है वो लेके आओ, तो आप आओगे? बैल बिटू कौन अपने बुक बुलाओ, तो हम तो नहीं आएंगे, तो अपने बुक बुलाओ, तुम भी जरा बाहर आओ, क्यों हम उनकी घर का शीशा तोड़ के आए हुए, समझ आइए कि नहीं आइए, बात तो हो गई है। अब क्वेश्चन में क्या है, पहले हम यूनियन निकालते हैं, क्वेश्चन कल सॉल्व कर लेंगे, चाहे आज की बेसिक पॉइंट कर जाते हैं। एक्स यूनियन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, बहुत गंदी इंक है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट,
तीन मेजर चीज़ें हैं इसके अंदर, एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को डैश भी लगा लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट में सी भी लिख लेते हैं, ठीक है जी। मतलब एक दो तीन चार पाँच छः से ज़्यादा चीज़ कोई नहीं आनी, ज़्यादा चीज़ कोई नहीं आनी। यूनियन का मतलब क्या है, जब एक्स यूनियन वाई मैं यहाँ लिखूँगा ना, इसका मतलब क्या है कि मैंने पहले ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू लिखनी है, यूनियन लिखना है, और हम क्या करते हैं यहाँ वैल्यू लिखने के साथ उसका नाम भी लिख देते हैं, क्या कर देते हैं समझ रही। जब हम किसी को अपना ड्रेस का ऑर्डर दे के आते हैं, वो आपको रिसीट बना कर देता है, ठीक है। जब आप ड्रेस वापस लेने जाते हैं, रिसीट दे के आते हैं कि वो भी साले आते हैं दे के, क्यों हम दोबारा सूट लेने ना चले जाएँ बाद में, क्यों सलमान। इसे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़े की स्लिप ली, उन्होंने रखा भाई आधे घंटे बाद आओ, आधे घंटे बाद पिज़्ज़ा लिया, वापस लेकर स्लिप जब डाल के ले आया, ये 15 मिनट फिर लेने चले जाएगा भाई पिज़्ज़ा दे दो, होगा ना ऐसे, होता ना ऐसे कि नहीं होता, क्या मतलब क्या कह रहे हो बेटा। एक स्लिप दी मैंने आपको कि आधे घंटे बाद आके ऑर्डर लो, मुझे स्लिप दिखानी है, ऑर्डर ले जाना आपने, ठीक है। ये आया स्लिप दिखाई, ऑर्डर लिया और स्लिप वापस आ ले गया, ठीक है। अब दोबारा आएगा राशि लगा, मेरी याद थोड़ी है कि मैंने दे दिया उसको, नहीं दिया हुआ मुझे, हाँ मैं दिया था, रिकॉर्डिंग चेक कराई तो पकड़ लिया फिर हमने, वो बात हो रहा है, समझ आ गई है। इसलिए कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे दी तो एक्स का काम ख़त्म है, यहाँ पे एक्स वाई तशरीफ नहीं लाएगा, जब वाई की वहाँ वैल्यू दे दी तो वाई का काम ख़त्म है। एक्स की वैल्यू क्या है, ये क्या वो नीचे वाली की वो वाली, ओ भाई ये ली दरमियान वाली, 11, 13, 17, 19 and 23rd यू पे आए, सॉरी यूनिवर्सल सेट है वाई के साथ, वाई की वैल्यू क्या है 4, 5, 6, 7, 8 एंड सोन। अभी मैंने कहा वैल्यू लिखना 17, क्या कहा था मैंने भी आपको, अगर चाहते हो कि ऐसे क्वेश्चन करना है टाइम बचाना तो वैल्यू लिख लेना, गलती से पाक शफाफ पाकिस्तान बन जाएगा। यूनियन में क्या होता है, यूनियन और यूनिवर्सल में क्या फ़र्क है, यूनियन और यूनिवर्सल में क्या फ़र्क है, कहता ये लेबर यूनियन है, लेबर सारी इकट्ठी हुई हुई है, ये यूनिवर्सल यूनियन है, मतलब यूनियन ऑफ यूनियंस, ये लेबर यूनियन है, ये फार्मर यूनियन है, ये इलेक्ट्रिक यूनियन है, ये कोई भी यूनियन है, टीचर्स यूनियन समझ लो, ये यूनियन रहता है, ये तमाम टीचर से मिलकर यूनियन बनी, तो ये है, ये तमाम यूनियन से यूनियन बन रही है, बस तमाम चीज़ें क्या होती हैं यूनिवर्सल, अरे यूनिवर्सल चार्जर है, मतलब तमाम मोबाइल चार्ज करेगा, यूनिवर्सल कार्ड रीडर है, तमाम कार्ड को रीड करेगा, आगे समझ। ये यूनिवर्सल नहीं है, यूनियन है, इनको मिला के लिखना है। मीनियन यूनियन में कैसे करते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23। क्यों 17 ने तो नहीं ही पार कर दिया, आगे जो दो वैल्यूज की आई थी एक्स्ट्रा वो लिखी, ये और ये इनको अरेंज करके मिलाना है, मेन वर्ड मैंने यूज़ किया अरेंज लाजमी करना है, आगे चली गई। इंटरसेक्शन में क्या होगा, ये अगेन वैल्यू आ गई नीचे, ठीक है, मैंने उसी को पकड़ा हूँ, बार बार नहीं वेरी गुड कर रहा, तो क्या सेम है इसके अंदर, 11, 13 एंड 17 इज योर, ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका इंटरसेक्शन। कॉम्प्लीमेंट किस चीज का नाम है, कॉम्प्लीमेंट किस चीज का नाम है बोले, तो चिपक ही जाता है ये, बोले कॉम्प्लीमेंट किस चीज का नाम है, ये हमारी क्लास क्या है, इस क्लास में हमारा सेट का एग्जांपल है एक, क्या आर्ट्स साइंस एक्स वाई टोटल क्लास यूनिवर्सल सेट, समझ आ गई। मैं कहूँ जी साइंस कॉम्प्लीमेंट, टेंथ साइंस कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से
तमाम क्लास में से साइंस वाले उठा के निकाल दो, क्या बचेगा? आर्ट्स के बच्चे। ये समझ बता रहा हूँ, खाली रट्टे पे नहीं जाना कि आंसर आएगा ठीक है, पता चले बैकएंड में क्या है, हो क्या रहा है पीछे। समझ आई कि नहीं आई? अभी इनके भाई मेरे कह रहा था कि लाइट अभी मिल गई ख़राब हो गई, कि सोटी वाले बंदा लाइटें ठीक करता है, तो मैं कहा बेटा अभी कर लेंगे भी ठीक, अभी मैं आपके आंसर पहले एक लाइट ठीक करके आया अभी, ठीक है। क्यों? उसका बैकएंड का सर्किट पता था कैसे चल रहा है, कहाँ से कहाँ निकल रहा। जब पता हो ना तो बंदा आसानी से वो डील कर देगा। अब कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है? जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस चीज़ को टोटल में से निकाल दो। हमें कहेंगे यूनिवर्सल में से निकाल दो, यूनिवर्सल क्या है? टोटली तो है, तो हम वाइडर टर्म यूज़ कर रहे हैं। जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, टोटल में से निकाल रहे हैं। अगर मैं निकालना चाहूँ एक्स कॉम्प्लीमेंट तो क्या करूँगा? बोलें जी, वाई को निकाल दें। मैं चाह रहा हूँ रहमत की चित्रोल करना तो मारना कदीर को शुरू कर दूंगा। मैं चाह रहा हूँ उसको निकालना तो निकाल कदीर को दूंगा, तो आप भी निकालूंगा ना। समझ आइए, एक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट में से एक्स भाई साहब को निकाल देना है। इस क्वेश्चन में हम एक चीज माइनस करना भी सीख जाएंगे। वहां यूनियन सीखा, इंटरसेक्शन सीखा, यहां पे कॉम्प्लीमेंट भी सीख रहे हैं। और एक्स की वैल्यू बताएं जी, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू बताएं। पहले यूनिवर्सल सेट आता है, पहले बता रहा हूं क्या आता है। एटीन नहीं है मैडम, यू की वैल्यू ये है, आप तो आंसर बता रहे हो मुझे, मैंने एक्स कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ। तो यूनिवर्सल सेट कंप्लीट है, वो लिख दिया। अब एक्स की वैल्यूज क्या हैं जिसको निकालना है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसमें से जो जो काटते रहे वो काटते रहे, 11 गया, 13 गया, 17 गया, 19 गया। ये मैंने क्यों काटा था कि पता हो कि हो क्या रहा है। अब बचा कौन है? वो कि ये होता क्या, काटने के बाद सपोज करो यहाँ 25 लिखा, 27 लिखा होता तो ये भी बच रहा था, तो हम क्या करें 27 उतार के बैठ जाते हैं। नहीं, टोटल क्लास में से मैंने एक एक करके उठा के फेंकता गया, बचेगा टोटल क्लास में से कि इनमें से कोई बचेगा? ये साइंस वो आर्ट्स, ये टोटल, टोटल में से मैंने साइंस के बाहर निकालता जा रहा हूँ, ठीक है। तो बचेगा कौन? आर्ट्स वाले। समझ आई? मतलब यूनिवर्सल टोटल में से टोटल के बाकी बचेंगे, क्या बचेंगे? वो इन शॉर्ट आर्ट्स वाले ही होंगे, लेकिन किस में से बचेंगे? टोटल में से। टोटल क्या है? यूनिवर्सल सेट है, इसमें से निकालेंगे। अब क्या बच गया यहाँ पे? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 एंड ये क्या आपका एक्स कॉम्प्लीमेंट यहां पुट हो जाएगा। ऐसे ही वाई कॉम्प्लीमेंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कैसे? यूनिवर्सल सेट में से वाई को निकाला, जो बचा वो क्या होगा? वाई कॉम्प्लीमेंट। तो यहां लिख देंगे उन दोनों को आपस में, क्या लेंगे? इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन, दोनों में सेम है, ये भी हो गया। अगर मैं ये निकालना चाहूं एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट तो क्या करेंगे? वो इसका आंसर आया हुआ है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। आई बात समझ? वो एक्स यूनियन वाई है, इसको यहां लिखेंगे। यूनिवर्सल क्या है? वो वाला आगे आएगा, माइनस लिखेंगे तो यूनिवर्सल सेट में बचेगा वो उतर जाएगा, आगे चलेगी। क्या 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 समझ आ गया? यूनिवर्सल, सॉरी, यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, कॉम्प्लीमेंट निकालना और माइनस करना, ये हो जाएगा। दो कॉम्प्लीमेंट निकले हों, वो यूनियन निकालना सीखा, यूनियन ले लेना आप लोग। अभी इस क्वेश्चन का ये करने के बाद 1, 2, 3 सॉल्व कर लेना, अगर चाहते हो फाइव अभी ख़त्म करना, इसके बाद देखो कुछ भी नहीं इसके अंदर। और ये एक लेक्चर आपका फाइव उड़ा गया है, फाइव भी उड़ा गया है, लेकिन मैंने आपको वेन डायग्राम बहुत डिटेल में करवानी कर इनशाला। समझ आई है कि नहीं आई है मैडम? समझ आई है? हाफ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड का आपके किधर है? शॉर्ट में काम आना, उसे कॉम्प्लीमेंट मांग लेना है, ये सेट मांग लेने हैं। मेन मसला यहाँ पे आता है सेट बनाने में, वो भी मेरा क्लियर हो गया कि डाउट है किसी के अंदर, ठीक है। कल 5.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।